हनुमान जी की पत्नी के साथ दुर्बल फोटो। कहा जाता है कि हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना हनुमान जी का यह दुर्लभ मंदिर काफ़ी मायने में खास है। यह हनुमान जी अपने ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान है। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते आए हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी थे और वाल्मीकि कुंभ सहित किसी भी रामायण और रामचरितमानस में बालाजी के इस रूप का वर्णन मिलता है। लेकिन पराशर संहिता के हनुमान जी के विवाह का उल्लेख है। इसका सबूत है आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना एक खास मंदिर, जो प्रमाण है हनुमान जी की शादी का। यह मंदिर याद दिलाता है रामदूत के उस चरित्र का, जब उन्हें विवाह के बंधन में बंधा पड़ा था। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। पवन पुत्र का विवाह भी हुआ था और वह बाल ब्रह्मचारी भी थे। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंग बली को सुवर्चला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। दरअसल हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता और भगवान सूर्य उनकी तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्या में से हनुमान जी को उनके गुरु के 5 तरह की विद्या तो सिखा दी थी, लेकिन बची 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वो मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंध कर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो, ये कहाँ से वह मिलेगी, इसे लेकर सभी चिंतित थे। सूर्य देव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हो, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही है। पराशर संहिता में तो लिखा गया है कि खुद सूर्य देव ने इस शादी पर यह कहा कि वह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुई और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचार्य भी प्रभावित नहीं हुआ।